हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये लुक मैंने छठ पूजा के लिए किया हुआ है, तो अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो गाइस सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप टोनर। टोनर ज़रूर अप्लाई करें गाइस, इससे पोर्स सारे मिनिमाइज हो जाते हैं, तो आपका मतलब जो भी मेकअप वगैरह होता है वो बिल्कुल फ्लॉलेस होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम ले रही हूँ। सीरम को भी ज़रूर अप्लाई किया करें, इससे मतलब स्किन बिल्कुल हाइड्रेट हो जाता है और बहुत अच्छा सा ग्लॉसी सा मेकअप लुक निखर के आएगा। उसके बाद मैंने अपने लिप को मॉइस्चराइज़ किया है और मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, जो कि एन बाइबे का आईब्रोज़ पेंसिल है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ SD का कंसीलर। और कंसीलर आप जहाँ जहाँ अप्लाई करें, जहाँ आपको डार्क सर्कल हो और पिंपल्स वगैरह का मतलब डार्क सर्कल वगैरह हो तो उसको हाइड करने के लिए हम यहाँ पे कंसीलर अप्लाई किए हैं। और मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे डैप डैप करके अच्छे से मतलब कंसीलर को सेट कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ फाउंडेशन, जो कि लैक्मी का है गाइस। ये मतलब हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है, आपको 2-3 बार लगाना पड़ सकता है। तो इसमें फाउंडेशन में मैं मिला रही हूँ गोल्डन कलर का इल्यूमिनेटर, जिससे थोड़ा सा शाइनी लुक प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप किसी पार्टी में या किसी मतलब शाम के पूजा पाठ में जा रहे हो, तो आप अगर गोल्डन सा मतलब थोड़ा सा ग्लॉसी लुक चाहिए आपको, तो अपने फाउंडेशन में इल्यूमिनेटर ज़रूर मतलब ऐड करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिलाया है, सॉरी, मैं यहाँ पे अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए बनाना का लूज पाउडर से अपने पूरे फाउंडेशन को सेट कर ली हूँ। उसके गाइस यहाँ पे मैं एक ही सुगर के पैलेट से ही अपने पूरे मेकअप को डन करूँगी। तो इसमें से मैं ब्रॉन्जर वाला सेट लेके अपने फेस को थोड़ा सा शेप देते हुए, जहाँ जहाँ मतलब कॉन्टोरिंग किया जाता है वहाँ वहाँ मैं ब्रॉन्जर अप्लाई कर ले रही हूँ। इससे थोड़ा सा फेस जो है ना थोड़ा सा मतलब शार्प हो जाएगा और फेस का मतलब डिवाइडेड लगता है फेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जहाँ जहाँ कॉन्टोरिंग किया जाता है वहाँ वहाँ मैंने ब्रॉन्जर को अप्लाई कर लिया है। और सेम पैलेट में से मैं ये ब्लश अप्लाई कर रही हूँ गाइस, दूसरा कोई पैलेट मैं अप्लाई मतलब नहीं यूज़ करूँगी। तो इसमें बहुत ही प्यारा सा पीच और थोड़ा सा पिंक शेड मिलता हुआ कलर है, बहुत ही प्यारा सा मतलब आपके फेस पे एक बहुत ही प्यारा सा ब्लश का कलर आ जाता है। इसे मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। उसके बाद सेम पैलेट में से मैं यहाँ पे हाईलाइट अप्लाई करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने नोज एरियाज पे और उसके बाद अपने चिप्स पे, लिप के अराउंड सब जगह जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करने हैं वहाँ वहाँ मैं अपने फेस पे हाईलाइटर अप्लाई कर ले रही हूँ। तो आप चाहे तो अगर इतना ज़्यादा हाईलाइटर नहीं भी लगाना चाहें तो भी आपने फेस पे गोल्डन कलर का फाउंडेशन में मिला के इल्यूमिनेटर लगाया तो उससे भी आ जाता है ग्लो, लेकिन अगर आप चाहें तो हाईलाइटर भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर अप्लाई किया हुआ है। और इस पैलेट में से मैंने डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आई मेकअप को मैं स्टार्ट कर दी हूँ। सबसे पहले मैं आई मेकअप का बेस तैयार कर रही हूँ गाइज, और आप इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करें। जितना आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे ना उतना ही आई मेकअप आपका मतलब बहुत ही प्यारा सा लगने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे कट क्रीज बनाऊंगी अपने आई मेकअप पे। तो मैंने यहाँ पे एक एंकल ब्रश पे हल्का सा कंसीलर लेके अपने मतलब कट क्रीज बनाते हुए अपने आई लिड के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और जहाँ से आपका मतलब आई खुलता है मतलब आँख खुलता है वहाँ से आपको कट क्रीज बना लेना है। और उसके बाद मैंने उसी पैलेट में से ग्रीन कलर लेके और अपने आई लिड के ऊपर पिक कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे साड़ी में हल्का सा ग्रीन कलर भी है। ऐसे मैं चाहती तो रेड कलर भी अप्लाई कर सकती थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफरेंट आई लुक चाहिए था तो मैंने ग्रीन कलर का मतलब आई शेडो को लगा लिया है। और उसके बाद मैंने फेसेस कनाडा का आई लाइनर अप्लाई किया हुआ है, हल्का सा विंग आई लाइनर मैंने लगाया है। और स्केच आई लाइनर से मैंने आई को थोड़ा सा मतलब शार्प बनाते हुए हल्का सा मैंने आई को थोड़ा सा नोक निकालते हुए आईलाइनर अप्लाई कर लिया, जो कि आप देख सकते हैं अपने इनर कॉर्नर पे और अपने आउटर कॉर्नर पे मैंने दोनों साइड हल्का सा नोक बना लिया है आईलाइनर का। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा लिया हुआ है, फेक लैसेस मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिया है। आप चाहे तो फेक मतलब लैसेस भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट मस्कारा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दोबारा मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को फिक्स किया है।
उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर जो कि रेड कलर का ही था। पूरे मतलब 12 शेड है, उसी में से मैंने एक लिप लाइनर को अप्लाई किया हुआ है अपने लिप को थोड़ा सा शेप देते हुए। उसके बाद मैंने शुगर का मिनी बोल्ड लिपस्टिक में से रेड कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है। गाइज यहाँ पे मैंने जो गजरा अप्लाई किया वो फेक गजरा है जो कि मैंने मीशो से लिया था। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। और ये सारे मेकअप गाइज मेरे पूरी तरीके से वाटर प्रूफ हैं, लेकिन मैं टेस्ट नहीं कर पाई हूँ वाटर का, क्योंकि लाइट बार बार आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी अपने मेकअप को डन कर दी हूँ। लेकिन मैंने इसके पहले जो वीडियो वो किया था सेम इसी सारी चीज़ों से मैंने इसके पहले वाला भी लुक किया था, ये पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है गाइज, तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने हल्का सा हाईलाइटर अपने इनर आई इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया है, हल्का सा ब्रो बोन को हाईलाइट कर लेना है। सो गाइज ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। मैं आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे से वीडियो लेके आती हूँ गाइज, प्लीज़ इतने प्यारे प्यारे आप लोग कॉमेंट भी किया करो, और आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो गाइज प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी किया करिए, उससे मुझे एक मतलब थोड़ा सा अनुभूति मिल जाता है कि हाँ मैंने इतना मतलब इतना मेहनत किया तो उसका मुझे फल भी मिल गया। आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तो आप लोग कमेंट तो करते हो लेकिन साथ में वीडियो भी लाइक कर दिया कि